वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो लेक्चर ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने कन्वेंशनल एनर्जी के प्रमुख स्रोत यानी कि कोल को डिटेल अध्ययन उसका किया, क्योंकि कोल कन्वेंशनल एनर्जी में सबसे बड़ा एक तरीके से फ्यूल है जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स में हम प्रयोग करते हैं। जो अदर कन्वेंशनल फ्यूल्स जो हम मुख्यतः प्रयोग करते हैं उसमें आज हम एक साथ, मतलब कि हम इसके और वीडियो लेक्चर्स नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ एक साथ इनका टेंटेटिव और डिटेल अध्ययन और समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें प्रमुखता ऑयल, गैस, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज या वेस्ट और न्यूक्लियर और वाटर, इन सब का आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इनकी डिटेल अध्ययन करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसके जो इम्प्लीमेंटेशंस हम करते हैं और इससे क्या हमें ये इन फ्यूचर भी अवेलेबल होगा, इसका भी एक साइमल्टेनियस डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्ट है इसमें ये लिस्ट में ऑयल। तो जो ऑलमोस्ट हमारी जो 40% से ज्यादा एनर्जी की नीड है, मैं सेंटेंस पढ़ देता हूं, ऑलमोस्ट 40% ऑफ टोटल एनर्जी नीड्स ऑफ द वर्ल्ड इज फेड बाय ऑयल, यानी कि 40% की आपूर्ति हमारी जो पूरी एनर्जी है उसकी 40% की आपूर्ति है ऑयल से करते हैं। ऑयल मुख्यतः हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे कि हमने पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में देखा था कि ये जो ऑयल है ये हम मुख्यतः ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल में तो करते ही हैं, लेकिन मुख्यतः हम जो ट्रांसपोर्टेशन में मुख्यतः ट्रक, हमारी व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल, इनको चलाने के लिए हम ऑयल पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इसकी जो कंजम्पशन है ये 40% ऑफ एनर्जी है। अब आप बोलेंगे ऑयल इज कैसे एनर्जी का माध्यम बना, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम बिजली का प्रयोग करते हैं तो बिजली का प्रयोग हम किलोवाट आवर इसमें हम मेजरमेंट करते हैं। सपोज हम अपने घर में बिजली जला रहे हैं तो उसका हम देखते हैं कंजम्पशन और उसके हिसाब से हमारा बिल भी आता है, जो यूनिट जितना पर यूनिट निर्धारित किया रहता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने। से फॉर एग्जांपल हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड CSPDCL है, तो उसके अनुसार हम उनके निर्धारित दरों से हम उसे पेमेंट करते हैं। लेकिन आजकल चूंकि ऑयल का महत्व बहुत ज्यादा है तो हम जो एनर्जी है उसके लिए हम MTOE यानी कि मेट्रिक टन ऑयल, इसके इस यूनिट से सारे कैलकुलेशन करते हैं। तो सपोज इलेक्ट्रिसिटी को भी हमको जनरेट करना है और उसको लेना है तो हम MTOE का प्रयोग करते हैं। तो आजकल कई जगह इंडस्ट्री में भी मुख्यतः सारे यूनिट्स जितनी भी एनर्जी कंजम्पशन होती है, जब हम एनर्जी बैलेंस शीट बनाते हैं, एनर्जी बैलेंस शीट क्या होती है, एनर्जी इन और एनर्जी आउटपुट, इसका बैलेंस। जैसे हम और पैसों का लेन देन, सपोज महीने में हम 10,000 रुपए कमाते हैं तो 10,000 रुपए इन और 10,000 रुपए कहाँ कहाँ गए, इसकी हम एक फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक उसी तरीके से एनर्जी की भी एक बैलेंस शीट बनती है जिसे कि हम एनर्जी बैलेंस शीट कहते हैं, और हम यह देख सकते हैं कि हम हमारे घर में कितनी यूनिट्स लेते हैं और कहां कहां देते हैं। तो इंडस्ट्री में जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि ऑयल पर बेस्ड यानी कि MTOE, इसके इस पर बेस्ड भी हम यूनिट का प्रयोग करते हैं। और यदि आपने पेट्रोल पंप्स में ऑयल की कीमतों, ऑयल यानी कि हमारे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो भी इसके इंक्लूडेड है, तो द राइजिंग प्राइस ऑफ ऑयल हैज ब्रॉट अ कंसीडरेबल स्ट्रेन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि
ऑयल की बढ़ती कीमतें हमारी इकोनॉमी पर, वर्ल्ड की इकोनॉमी पर, हमारी ही वर्ल्ड की इकोनॉमी पर बहुत प्रभाव प्रभावित करती हैं। यदि ऑयल की कीमत बढ़ जाती है तो आपने देखा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, माल को एक दूसरे से, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने यानी कि ढुलाई की कॉस्ट, हमारा जो टिकट्स है उसमें बढ़ोतरी, हमारे जो सब्जी भाजी सब्जी जो हम परचेस करते हैं मार्केट से उसमें बढ़ोतरी, जो हम घर के किचन में मुख्यतः दालें गेहूं चावल इनका प्रयोग करते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ोतरी, तो उस उनके दामों में बढ़ोतरी, यह सब बहुत स्वाभाविक है और बहुत चलता भी रहता है। तो ये वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द जो इकोनॉमी है ये इस ऑयल इसीलिए डिपेंड करती है कि यदि ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो उससे उस वो ऑयल चूंकि मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है इसलिए उससे रिलेटेड मटेरियल्स की भी प्राइस बढ़ती रहती है। तो किसी भी कंट्री में कंट्री की जो इकोनॉमी है वो इसलिए भी इस पर भी निर्भर करती है कि ऑयल की कीमतें हम कम नहीं कर सकते हैं। हम ऑयल की कीमतें जितनी कॉस्ट में हमने बाहर से एक्सपोर्ट की, क्यों एक्सपोर्ट की, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में तो ऑयल होता नहीं है, हम खाड़ी के देशों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं, गल्फ कंट्रीज पर ज्यादा निर्भर रहते हैं, और भी कई जगह से हम ऑयल परचेस करते हैं, से ईरान, यूएसए, सॉरी रशिया, यूएसएसआर, इनसे भी हम परचेस करते हैं। तो ये चूंकि हम बाहर से खरीदते हैं और इस पर सरकार सब्सिडी यदि दे और ऑयल की कीमतें कम करे तो सरकार को वित्तीय घाटा लगता है। इसको समझने की कोशिश करें कि ये चूंकि प्रोडक्ट हमारे देश में नहीं बनता है इसलिए हम इसे बाहर से आयात करते हैं और इस आयात के कारण हमारे देश में एक ये बोझ की तरह है, बिकॉज 40% ऑफ टोटल एनर्जी ऑयल पर है तो हम इसे डिसइंटीग्रेट भी नहीं कर सकते हैं। विद टुडेज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑयल एंड व्हाट वी हैव इन रिजर्व द ऑयल विल लास्ट फॉर अबाउट 100 years। तो यदि हम आज की डेट से कंजम्पशन देखें तो ऑयल हमारे पास 100 years तक ही चलेगा। ये 100 years कैलकुलेटेड है आज के कंजम्पशन से, लेकिन हो सकता है ये 20 साल भी हो जाए, 25 साल भी हो जाए, 10 साल भी हो जाए, क्योंकि हमारा कंजम्पशन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। दिन प्रतिदिन हम गाड़ियों में नई गाड़ियां खरीदते हैं, उन गाड़ियों में ऑयल कंजम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंजम करते हैं। सो फॉर एग्जांपल यदि हम ट्रेन की फैसिलिटी देखें, एरोप्लेन की फैसिलिटी देखें, वो भी बढ़ रही है, ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, तो इससे हमारा जो कंजम्पशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। अब यदि मैंने जैसे आपको बोला ट्रेनों का कंजम्पशन बढ़ रहा है तो यस ये ऑयल पर डिपेंड नहीं है, लेकिन हाँ MTOE जैसे मैंने आपको बोला मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, तो ये जो यूनिट है ये यूनिट के माध्यम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और अनलेस मोर ऑयल सोर्सेस इज डिस्कवर्ड, तो ज्यादा ऑयल सोर्सेस ज्यादा से ज्यादा यदि हम डिस्कवर कर सके तो ये 100 years तक चल सकता है, लेकिन इस डिस्कवरी की चांसेस बहुत कम है क्योंकि दुनिया के जितने भी जियोलॉजिस्ट है उसकी इसके ऑयल के लिए सर्च करते रहते हैं और इसको सर्च करने की अब संभावनाएं बहुत कम है। तो हम जानते हैं कि ऑयल का पर्याय क्या है, ऑयल का पर्याय डेफिनेटली हमारी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है जो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होगी, लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किससे मोस्टली बनती है, लास्ट लाइफ में हमने देखा थर्मल पावर प्लांट से, तो थर्मल पावर प्लांट की संख्या कम हो रही है, कम करनी ही है, उससे हमारे को ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो जाती है। तो इस तरीके से हर लिंक एक दूसरे से रिलेटेड है, लिंक एक दूसरे से अटैच्ड है, हम किसी भी लिंक को सिर्फ पढ़कर नहीं छोड़ सकते, हम इसे यदि डिटेल में समझेंगे तो हम वाकई पहचान पाएंगे कि एक लिंक दूसरे लिंक से अटैच्ड है। तो ये ऑयल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए हम इलेक्ट्रिक व्हीकल अब
जो आ रही है मार्केट में, और जिसको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करना है, उसके लिए हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की ओर कदम बढ़ा चुके हैं, जिसमें मुख्यतः सोलर, हाइडल, विंड एक्सेट्रा, ऐसे कई डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस हैं। तीसरा मुख्य कन्वेंशनल एनर्जी सिस्टम है गैस। गैस चूंकि हम पूरी तरीके से अभी इसका सही तरीके से दोहन नहीं कर पाए हैं, इस स्लाइड में हम ये देखेंगे, सॉरी, इस स्लाइड में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम गैस पर डिपेंड रहते हैं और गैस किस लिए हम स्टोर करके ज्यादा यूज भी नहीं कर सकते। सो नेचुरल गैस इज एन इनकम्प्लीटली यूटिलाइज रिसोर्स अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ अर्थ। जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकालते हैं तो उसके साथ साथ नेचुरल गैस का भी हम दोहन करते हैं, और नेचुरल गैस जो है ये पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं है। यदि हम मुख्य इसके एप्लीकेशंस देखें नेचुरल गैस के, तो हमें कुछ हमारे देश में कुछ प्रदेशों में इसका प्रयोग होता है, गाड़ियां मतलब ऑटोमोबाइल चलाने में, ऑयल को छोड़कर, जिसमें कि प्रमुखता दिल्ली है, हमारे राजधानी न्यू दिल्ली, जहाँ पर आप CNG से चलने वाले ऑटो रिक्शा, बस और कई व्हीकल्स देखेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी नेचुरल गैस एक प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है, और हम इस पर डिपेंडेंसी बढ़ा भी सकते हैं, बशर्ते कि इसकी जो आवाजाही है, इसकी उपलब्धता साल भर रहे। सो नेचुरल गैस इट्स ह्यूज क्वांटिटी इज बर्न ऑफ इन द ऑयल प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसकी जो ऑयल प्रोडक्शन प्रोसेस है, जब हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जमीन के अंदर से निकालते हैं, तो उसमें से काफी मात्रा इसमें निकालते समय जल जाती है, तो इसके लिए हमें इसकी जो उपलब्धता है वो बड़ी क्वांटिटी में नहीं मिल पाती। इसकी एक बहुत बड़ी मात्रा जब हम ऑयल प्रोडक्शन करते हैं तो जल जाती है। अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजी तो डेवलप नहीं हुई है कि जिसमें हम ऑयल प्रोडक्शन के साथ साथ इसे जलाकर इसको सुरक्षित रख सके और रिप्रोड्यूस करके इसका यूटिलाइजेशन कर सके। तो और भी इसके साथ जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो है, इट इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रेडी मार्केट एंड ड्यू टू इट्स हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इस नेचुरल गैस या गैस के साथ हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एसोसिएटेड है। हमको इसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए कैप्सूल टैंक्स का प्रयोग करना पड़ता है। इन कैप्सूल टैंक्स में हम हाई प्रेशर में गैस को स्टोर करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। इस पहुंचाने के दौरान जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी लेकिन हमारे देश में दो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारी जो हमारे देश में इसकी उपलब्धता है वो निरंतर बढ़ रही है। खासकर यह ऑटोमोबाइल में तो नहीं, दूसरे प्रदेशों में, लेकिन इंडस्ट्री में इसकी पहुंच बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सीमेंट प्लांट्स में खासकर इसी पर जो कोल बेस था उसको हटाकर अब नेचुरल गैस पर इसकी फर्नेस को बर्न करना की शुरुआत हो चुकी है। इस गैसियस फूल को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, गैसेस ऑफ फिक्स कंपोजिशन, जिनके कंपोजिशन फिक्स्ड है, उसमें है एसिटिलीन, इथिलीन और मीथेन। ये गैस, इसकी कंपोजिशन फिक्स रहता है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा गया है, फिक्स कंपोजिशन। और कंपोजिट इंडस्ट्रियल गैसेस, जो इंडस्ट्री में बन इस
प्रोसेस के दौरान बनती है और उसका प्रयोग करते हैं, जिसमें की प्रमुखता कोक ओवन गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस एक्सेट्रा, इसको गिना जाता है। तो ये दो गैस, इस गैस गैस को यदि हम फ्यूल के अनुरूप बांटे तो हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक है फिक्स और दूसरा इंडस्ट्रियल गैसेस। ये ध्यान रखेंगे, फिक्स कंपोजिशन इंडस्ट्रियल गैसेस में प्रमुखता एसिटिलीन, इथिलीन, मीथेन, और इंडस्ट्रियल गैसेस में कोक ओवन गैस और ब्लास्ट फर्नेस गैस। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक वेस्ट भी एक सोर्स ऑफ फ्यूल होता है और इसे हम ये हमारे यहाँ सहज तरीके से उपलब्ध होता है और हम इसकी सहायता से एनर्जी का उत्पादन करते रहते हैं। और पुराने समय में हमारी पूरा जो कुकिंग की डिपेंडेंसी थी वो लकड़ी पर आधारित थी, और अब हम इस एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक वेस्ट से भी एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है, दिस इंक्लूड्स वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन सच एज मैन्योर, कॉर्न स्टीम स्टेम, पैडी हस्क, हार्वेस्ट वेस्ट, सॉडस्ट, एनिमल डंग, लेफ्ट ओवर फ्रॉम वेरियस क्रॉप्स। तो मुख्यतः जो खेती है उस खेती से बचे हुए जितने भी वेस्ट है उसकी सहायता से हम इस ऑपरेशन को और इससे हम एनर्जी का उत्पादन करते हैं, जिसमें प्रमुखता मैन्योर, कॉर्न स्टेम, जो भुट्टा रहता है उसके स्टेम को, पैडी हस्क, चावल के जो धान रहता है वो जो चावल निकालने के बाद बचता है वो, हार्वेस्ट वेस्ट जो हम कटाई करते हैं उसके बाद जो बचा होगा उसको, सपोज फॉर एग्जांपल हमने गेहूं निकाला तो गेहूं के बाद जो बचा हुआ वेस्ट है वो, सॉडस्ट जब हम लकड़ी काटते हैं तो उससे बची हुई डस्ट, एनिमल डंग खासकर इसमें गोबर, लेफ्ट ओवर फ्रॉम वेरियस क्रॉप, किसी भी क्रॉप से बची हुई जो लेफ्ट ओवर है उसको हम प्रयोग करते हैं। ऑल दिस वेस्ट आर जनरली बर्न और आर इन लेफ्ट इन ओपन एनवायरमेंट। मुख्य प्रमुखता जब ये जो वेस्ट है ये जनरली जला दिया जाता है या खुले में रख दिया जाता है, और यह जो है ये इन्वायरमेंटल इशू होता है। यदि आपने जला दिया तो आप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को, ग्रीन हाउस गैसेस को जनरेट कर रहे हैं, जिसके की कारण इन्वायरमेंटल बैलेंस डिस्टर्ब होता है और साथ ही साथ पॉल्यूशन बढ़ता है। तो क्या इससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, इसको कैसे हम कोप अप कर सकते हैं, क्योंकि हम ये डे टू डे देखते हैं मुख्यतः कि हम किस तरीके से इसको कर्व कर सकते हैं, किस तरीके से रोक सकते हैं। तो इसके लिए एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक वेस्ट को रोकने के लिए रोक कर सही तरीके से प्रयोग में लाने के लिए ये कुछ कदम दिए गए जिसकी सहायता से हम अपने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम या पॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, जिसमें कि प्रमुखता पहला है, द वेस्ट शुड बी यूटिलाइज नियर द सोर्स सो दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। यानी कि जो आपका वेस्ट है, जो अभी आपने फसल ली है उस फसल से बचा हुआ जो भी उसका कचरा है वो वहीं पर यूटिलाइज कर लिया जाए, उपयोग कर लिया जाए, ताकि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाए। सपोज फॉर एग्जांपल एक किरंदुल में यदि हम अपनी हमारी खेती है और उसको हम वहाँ के वेस्ट को गीदम्बर में लाकर यदि उसको यूटिलाइज करें, उसका उपयोग करें, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसके की कारण हमको उसका सही वो जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं और हमारी जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगी। द पीपल इन द रूरल एरिया शुड बी प्रॉपरली एजुकेटेड अबाउट द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट। तो जो रूरल एरिया के जो लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, उनको हमें बहुत एजुकेटेड करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। किस लिए,
वो जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसका वो सही प्रयोग कर सके, उसको जलाए ना, पोल्यूशन को खराब ना करे, क्योंकि हमारी पूर्व की जो एक तरीके से जब हम फसल काट लेते थे तो जो भी वेस्ट बचता था उसे हम खेत में जला देते थे, और वो जो ऐश है वो हमें सहायता करती थी किसके लिए, फसल की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो यदि हम सही तरीके से एजुकेट करेंगे रूरल सेक्टर को तो वो उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिसमें प्रमुखता कैसे करेंगे, तो प्रमुखता हम इस फसल को बहुत बारीक काट कर और उसे खेतों में ही डाल देते हैं, और उसमें फिर से ट्रैक्टर चलाकर उसे मिट्टी के साथ मिला देते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो बढ़ जाता है। दिस वेस्ट शुड बी यूज टू जनरेट एनर्जी। इस वेस्ट से यदि आपको एनर्जी जनरेट करनी है, विच कैन बी टर्न टू बी यूज इन फुलफिल लोकल रूरल एनर्जी नीड्स। तो ये यदि फ्यूल को हम सही तरीके से जला रहे हैं तो हमको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जो जनरेटेड एनर्जी है, ये जो जनरेटेड एनर्जी है ये पॉल्यूशन फ्री रहे, जो कि संभव नहीं है। ये लिखा जरूर है यहाँ कि दिस वेस्ट शुड बी यूज इन जनरेट एनर्जी विच कैन बी टर्न टू बी यूज इन फुलफिल द रूरल एरिया की एनर्जी नीड को जरूरत को संपूर्ण कर सके। अदर नॉन एनर्जी यूजेस शुड बी कंसिडर। तो इस वेस्ट को यदि हम चलाएंगे तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, हम एक नया पॉल्यूशन एनवायरमेंट क्रिएट करेंगे, और इसको जलाने के लिए हम उसको दूसरी जगह पर इस तरीके से जलाएं ताकि हम उसका सही यूटिलाइजेशन कर सकें। एक एग्जाम्पल के दौरान समझते हैं कि यदि हम गन्ने की फसल को काटें और गन्ने की फसल को हम किसी शुगर प्लांट में हम उसको देते हैं, यदि गन्ने का रस यदि हम बनाएं अपने घर में उस गन्ने के रस को क्रश करके, तो उसका जो वेस्ट है वो हम कचरे के रूप में यूज कर सकते हैं मट्टी के अंदर। लेकिन यदि यही शुगर फैक्ट्री में दें तो इसे बगैसी कहते हैं, और ये गन्ने के एक्सट्रैक्ट से हम प्लाई या उस गन्ने के बगासी को जो बचा हुआ शुगर केन का जो एक्सट्रैक्ट पार्ट है जिसे बगासी कहते हैं, उस बगासी को हम सीधे शुगर प्लांट में जलाकर एनर्जी बनाते हैं, और उसी प्लांट से उस प्लांट के बॉयलर को चलाकर स्टीम जनरेट करते हैं। तो हमें हमेशा ये जो एक्सट्रैक्ट है इस एक्सट्रैक्ट के सही यूटिलाइजेशन देखना पड़ेगा कि जिसमें हम यदि जलाएं भी तो हम उस एनर्जी का उत्पादन उस स्तर तक कर सके, अदरवाइज हमारे पास जो बेस्ट सोल्यूशन है कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको बहुत छोटे छोटे उसमें काट कर हम हमारी जमीन और में मिलाएं ताकि उससे उत्पादन क्षमता बढ़े, साथ ही साथ वो जो एक्सट्रैक्टेड प्रोडक्ट है जो आपने मिट्टी में मिलाया है वो पानी को ज्यादा देर तक सोख कर रखता है, जिससे कि आपकी स्वाभाविक पानी की जरूरत है फसल की वो आसानी से कंप्लीट हो सकती है। अदर नॉन एनर्जी यूजेस शुड बी कंसिडर। दूसरे और जो एनर्जी सोर्सेस है उसको भी हमको कंसिडर करना चाहिए। सो विल स्टॉप हियर इन दिस वीडियो लेक्चर। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल सी अनादर टू मोर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, और उसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।